सो स्टूडेंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू डिफाइन सेट सो स्टूडेंट सेट क्या होता है देखिए स्टूडेंट सेट क्या होता है इसका डेफिनेशन आपको पता है स्टूडेंट लेकिन आपको और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट आपको इसका डेफिनेशन पता होगा डेफिनेटली स्टूडेंट सो स्टूडेंट आपको उसका डेफिनेशन पता होगा लेकिन इसको आप इसका डेफिनेशन भूलेंगे इसलिए हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ठीक है तो देखिए स्टूडेंट सेट क्या होता है सेट का डेफिनेशन ये होता है कि सेट आर एन ऑर्गेनाइज और वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट सेट क्या होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है या ऑर्गेनाइज well कह लीजिए ऑर्गेनाइज या वेल डिफाइंड कलेक्शन उसी कहते हैं हम सेट मतलब कलेक्शन क्या होता है किसी चीज़ का भी कलेक्शन जैसे आपके पास बैग का कलेक्शन है आपके पास मेकअप कलेक्शन होगा आपके पास पेन का कलेक्शन होगा आपके पास बुक्स के कलेक्शन होंगे ठीक है तो देखिए उसमें क्या होता है इसमें कि और क्या होता है कि कलेक्शन सिर्फ कलेक्शन नहीं होता इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट इस कि इसका वेल well डिफाइन भी करना होता है मतलब जैसे कोई स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि वन से टेंथ तक गिनो वन से टेन तक आप काउंट करो ठीक है वन टू टेन काउंट करो तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे आप डायरेक्ट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यही बोलोगे आप और दूसरा बच्चा भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यही बोलेगा कोई ऐसा तो नहीं है उसमें जो बोलेगा कि सेवन एट सिक्स फाइव ऐसा तो कोई बोला अगर अगर टीचर आपसे पूछ रहा है कि वन से टेन तक काउंट करो तो आप डायरेक्ट वन टू टेन करेंगे अब देखिए स्टूडेंट उसी को कहते हैं हम सेट मतलब आपने जो कहा दूसरे वाले वही कहा तीसरे वाले वही कहा चौथे वाले वही कहा जितने आप बच्चे होंगे क्लास में सब ने सेम आंसर दिया तो उसी कहते हैं हम सेट मतलब किसी का भी आंसर डिफरेंस नहीं होना चाहिए किसी का भी आंसर डिफरेंट नहीं होना चाहिए ठीक है देखिए स्टूडेंट जैसे आपके क्लास में बोला हाइट वाइज खड़े हो जाओ ठीक है हाइट वाइज ठीक है तो देखिए सबसे कम हाइट होगा वो पहले खड़ा होगा जो उसके बाद होगा वो पहले उसके बाद खड़ा होगा जो उसके बाद वो होगा उसके बाद खड़ा होगा ठीक है तो तो देखिए इसमें बच्चे से पूछा जाए सबसे छोटी हाइट किसकी है तो जाहिर जो जो सबसे पहले खड़ा होगा सबसे छोटी हाइट होगा और उसके बाद उसके उससे बड़ा होगा उसके बाद उससे बड़ा होगा दूसरा बच्चा यही बताएगा तीसरा बच्चा भी यही बताएगा मतलब तीनों को दिख रहा है कि सबसे छोटा कौन है ठीक है तो उसी कहते हैं कलेक्शन देखिए अगर अगर मान लीजिए वन से टे अगर आपसे टीचर ने पूछा वन से टेन तक ऑड नंबर बताओ ठीक है तो आपने क्या बोलना है कि वन होता है ऑड थ्री होता है ऑड फाइव होता है ऑड सेवन होता है ऑड और, और नाइन होता है ऑड दूसरा बच्चा भी यही बताएगा वन टू वन थ्री फाइव सेवन नाइन तीसरा बच्चा भी यही बताएगा क्लास में जितने बच्चे गए, सारे बच्चे यही बताएंगे ठीक है उसी कहते हैं सेट मतलब सारे बच्चों का आंसर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन और ऑर्गेनाइज और कलेक्शन इज कॉल्ड सेट ठीक है मान लीजिए कोई पूछेगा कि सबसे अच्छा ब्रांड किस चीज़ का होता है सबसे अच्छा शूज का ब्रांड या कपड़े का ब्रांड सबसे क्या होता है तो कोई बच्चा गुच्ची बोलेगा कोई बच्चा एच एम बोलेगा ठीक है तो सब अलग अलग नाम लेंगे ठीक है तो देखिए उसमें अलग अलग अगर पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है आंसर तो वो हमारा सेट नहीं होता है ठीक है तो वही कह रहे सेट्स आर एंड ऑर्गेनाइज और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म ठीक है देखिए स्टूडेंट सेट का डेफिनेशन आपको पता चल गया कि सबका क्या होना चाहिए तो से श... आंसर सेम होना चाहिए जैसे कोई बच्चा बोलेगा नेचुरल नंबर क्या होता है तो नेचुरल नंबर क्या होता है नेचुरल वन से टेंथ तक स्टार्ट होता है दूसरे बच्चे का भी आंसर क्या होगा वन होता है टू होता है थ्री होता है फाइव फोर होता है फाइव होता है सिक्स होता है सेवन होता है एट होता है नाइन होता है ठीक है तीसरा बच्चा भी यही बोलेगा ठीक है होल नंबर क्या होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है वो होल नंबर होता है ठीक है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है तीसरा क्वेश्चन यही बोलेगा सबका क्या होगा आंसर सेम होगा तो वो हमारा सेट कराता है ठीक है अब देखिए स्ट्रीन पर्सन टू पर्सन आंसर सेम हो रहा है तो पर्सन टू पर्सन कोई सबका आंसर सेम हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा वो हमारा सेट कराएगा ठीक है अगर पर्सन टू पर्सन आंसर आपको चेंज हो रहा है तो वो हमारा सेट नहीं कराएगा ठीक है अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या कह रहा है कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो सेट को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है तो सेट हमारा दो फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है स्टूडेंट और रोस्टर फॉर्म क्या होता है रोस्टर फॉर्म बोलेगा मान लीजिए आपसे कोई बोलेगा कि वन से टेन में ऑर्ड नंबर बताओ ठीक है तो वन से ऑड नंबर क्या होगा वन होगा टू थ्री होगा फाइव होगा सेवन होगा नाइन होगा यही होगा ठीक है अब देखिए रोस्टर फॉर्म यही होता है मतलब किसी भी स्टेटमेंट किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो हमारा रोस्टर फॉर्म होता है मतलब ठीक है जो एक्चुअल में होता है वो हमारा रोस्टर जैसे इवेंट नंबर क्या होता है आपको वन से टेन में आपको पता है क्या होता है ठीक है ऑर्ड नंबर क्या होता है वन से टेन में क्या होता है आपको पता होता है जो एक्चुअल में जिसका आंसर होता है वो हमारा रोस्टर होता है ठीक है अब इस रोस्टर फॉर्म का ये तो आंसर है ठीक है आपसे किसी ने पूछा कि वन से टेन के बीच में ऑर्ड नंबर बताओ तो आपने ये बताया ठीक है ठीके? अब देखिए स्टेन इसका क्वेश्चन क्या बनेगा जो इसका स्टेटमेंट बनेगा स्टेन वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है ठीक है ये ऑर्ड नंबर है ये आंसर है किसी भी स्टेटमेंट का किसी भी क्वेश्चन का जिससे आप जो जिसने आपसे पूछा उसका स्टेटमेंट उसके क्वेश्चन का ये आंसर हुआ तो वो हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाता है ठीक है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन स्टूडेंट इसको आपके एक्सरसाइज में दिया होगा स्टूडेंट कि सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करें या फिर रोस्टर फॉर्म में चेंज करें ठीक है एक्सरसाइज में आपके दिया होगा ठीक है ठीके? अब देखिए अगर इसका हमने क्वेश्चन बनाना है किसी भी स्टेटमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं स्टेटमेंट को आंसर को फॉर्म कहते हैं ठीक है ठीक है अब देखिए अगर जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका क्वेश्चन कैसे होगा देखिए जैसे उसने पूछा होगा कि देखिए एक्सरसाइज में आपको दिया होगा इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा एक्स सच that एक्स इज odd नंबर एक्स इज odd नंबर ठीक है एक्स सच that एक्स इज odd नंबर तो so, ये हमारा क्या होगा सेट बिल्डर फॉर्म कोई भी स्टेटमेंट होता है तो वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है उस स्टेटमेंट का आंसर जो होगा वो हमारा रोस्टर फॉर्म होगा ठीक है सोच आई होप आपको समझ में आ होगा रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म अगर नहीं समझ आया तो उसने आप मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं मैं फिर से आपको बता दूंगी ठीक है आज के लिए इतना ही सो रहे नेक्स्ट वीडियो हमारा किस पे होगा टाइप्स ऑफ सेट्स पे होगा ठीक है